नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय से पूछे गए द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 86 नंबर प्रश्न से लेकर और 115 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे, अर्थात 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के तीन वीडियो में हमने 85 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व किया था। इसके अलावा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको भी कई पार्ट्स में अपलोड किया जा चुका है। तो जो 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड, हिंदी वर्जन है कि परिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला दिया हुआ है सहजीवन, सहायक, अभिभावी, सिम्बियोसिस, ऑक्सिलरी एंड प्रीडोमिनेंट। दूसरा है सहजीवन, अभिभावी, सहायक, उसके बाद अभिभावी, सहायक, सहजीवन और सहायक, सहजीवन, अभिभावी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सेकंड नंबर, सहजीवन, अभिभावी और सहायक, सिम्बियोसिस, प्रीडोमिनेंट एंड ऑक्सिलरी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहला दिया हुआ है कि जाल प्रतिरूप स्थानिक अंतःक्रियाओं के रूप को नियत करने में सहायक नहीं है। नेटवर्क पैटर्न डज नॉट हेल्प शेप स्पेशियल इंटरेक्शंस। दूसरा दिया हुआ है कि जाल घनत्व अभिगम्यता का एक मोटा मापन है। डेंसिटी ऑफ नेटवर्क इज ए रफ मेजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तीसरा है कि संयोजकता एक जाल में नोडों व कड़ियों के संबंध में है। कनेक्टिविटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स एंड लिंक्स इन ए नेटवर्क। और चौथा है कि जाल का संगठन नोड व कड़ियों के पदानुक्रम को चित्रित करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिफर्स टू द हायरार्की ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, पहला नंबर, जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन नहीं सही है। जो नीचे वाले 2, 3, 4 नंबर कथन है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से संबंधित हैं और सही हैं, लेकिन पहला जो पार्ट है वो आपका सही नहीं है। आपका 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन राजनीतिक भूगोल की पारिभाषिक संकल्पना में सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हुए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रीयता अलग किए जा सकते हैं, टेरिटरी एंड टेरिटोरियलिटी कैन बी सेपरेटेड। दूसरा है क्षेत्रीयता स्थल है, टेरिटोरियलिटी इज ए स्पेस। तीसरा है क्षेत्र गतिविधि है, मतलब टेरिटरी इज एक्टिविटी। और चौथा है क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित है, टेरिटरी एंड टेरिटोरियलिटी आर इन inextricably interrelated। अब आपका जो सही विकल्प है वो है आपका चौथा नंबर, क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 89 नंबर, कि निम्न में से कौन सी विशेषता राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद नेशन स्टेट। ऑप्शन दिए हुए हैं, यह एक स्वतंत्र राज्य है, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। दूसरा है निवासी राष्ट्रीय सहचर्य का भाव रखते हैं, द इनहेबिटेंट्स शेयर ए सेंस ऑफ नेशनल कोहेजन। और तीसरा है यह चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं है, इट इज नॉट ए अल्टीमेट ज्योग्राफिकल रियलाइजेशन। और चौथा है कि इसका सुपरिभाषित भूभाग होता है, इट ऑक्युपाइज ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो आपका जो सही है वो है आपका उत्तर कि राष्ट्र राज्य के संबंध में यह सही नहीं है कि यह चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चरम भौगोलिक अनुभूति है। अगला जो है 90 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सीमांतों व सीमाओं का प्रयोग भौगोलिक साहित्य में पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है। फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज आर यूज्ड एज ए सिनोनिम्स इन ज्योग्राफिकल लिटरेचर। दूसरा दिया हुआ, सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव नहीं है, बाउंड्रीज आर नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोवरेनिटी। और उसके बाद
आपका जो है, तीसरा है कि संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं, चौथा है कि संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं। तो आपका जो कथन सही है वो है कि संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया 91 कि निर्जातीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथनिसिटी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई अकेली विशेषता निर्जातीयता को इंगित नहीं करती है। दूसरा है, निर्जातीयता क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। तीसरा है, भूभागीय पृथक्करण निर्जातीय पहचान का एक सबल व पुष्टिकारक लक्षण है। चौथा है, कोरियावासी कोरियाई में रहते हुए एक निर्जातिक वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, सही नहीं है, जबकि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है आपके निर्जातीयता से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया 92 कि निम्न में से कौन सा कथन सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के संबंध में सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कल्चरल इकोलॉजी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसका संबंध सांस्कृतिक वर्ग व इसके प्राकृतिक पर्यावरण से है। दूसरा है, यह मानव समाजों में अनुकूलनीय प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तीसरा है, सभी समाज समान सामाजिक विकास अवस्थाओं से गुजरते हैं। तीसरा है, यह मानव पारिस्थितिकी का उपसमूह है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, मतलब सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ 93 नंबर की, सांस्कृतिक क्षेत्रों का सही अवरोही पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग हायरार्की ऑफ कल्चरल एरियाज। ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं, कल्चरल वर्ल्ड, कल्चरल रीजन, कल्चरल रियल्म। तो आप में से जो भी है ये सीक्वेंस से आगे पीछे दिया हुआ, तो जो सही आंसर है वो है आपका कि सांस्कृतिक मंडल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सांस्कृतिक परिमंडल होता है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रदेश होता है। तो बड़े से छोटे की ओर हम लोग जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर कि अप्राचलिक परीक्षण इस नाम से भी जाने जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए, संकेत रहित इंडेक्स फ्री, वितरण रहित डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, सूत्र रहित फार्मूला फ्री और गणना रहित कैलकुलेशन फ्री। तो आपका सही उत्तर है 2 नंबर, वितरण रहित। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्कोनी प्रक्रियाएं एक संक्रमण प्रायिकता आव्यूह में चित्रित होती हैं। मार्कोवियन प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो उसके बाद दूसरा दिया हुआ कि मार्को प्रक्रिया यादृच्छा व क्रमबद्ध दोनों प्रभावों का परिणाम है। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। पूछा गया है कि इज द रिजल्ट ऑफ बोथ चांस एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंसेस। तीसरा है कि मार्को श्रृंखला निदर्श में एक समय टी की स्थिति अपने पूर्ववर्ती समय की स्थिति पर पूर्णता निर्भर रहती है, मतलब कि ए गिवन स्टेट एट टाइम टी इज होली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट एट सम प्रीसीडिंग टाइम इन मार्को चेन मॉडल। और जो चौथा है कि उच्चतर क्रमों की श्रृंखला मार्को श्रृंखला निदर्श में निर्दर्शित नहीं की जा सकती है, चेन ऑफ हायर ऑर्डर्स कैन नॉट बी मॉडल्ड इन मार्को चेन मॉडल। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका 4 नंबर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 96 नंबर कि उस स्थिति में जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं तब सहसंबंध का मान होता है। इन द केस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस ओवरलैप कंप्लीटली ईच अदर द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी। तो आपका आंसर जानते ही एक होता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिया हुआ, तुलनात्मक निर्णय का नियम, थुर्स्टन, तो ये आपका लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट, तो आपका ये सही है। दूसरा है स्केलोग्राम विशेषता, स्केलोग्राम एनालिसिस, तो गटमैन ने दिया था, ये भी सही है। दूसरा है मिश्रित मानक विधि, मतलब कि कंपोजिट स्टैंडर्ड मेथड, ये है गुइलफोर्ड, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है सामाजिक दूरी मापक्रम तकनीक, जिसे लिकर्ट ने दिया है, इसमें दिया हुआ है, तो किसने दिया है, अगर लिकर्ट ने नहीं दिया है तो किसने दिया है, तो इसको आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो सोशल डिस्टेंस स्केलिंग टेक्निक किसने दिया है, ये आपका इससे प्रश्न बनता है, आप मुझे बताइएगा।
अगला प्रश्न 98 नंबर है, जिसमें एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलाना है। एक तरफ लिस्ट में जो स्थानीय कृषि है उसके बारे में दिया हुआ था, वो किन प्रदेशों में होती है उनके बारे में दिया हुआ है। तो चन्ना जो है आपकी श्रीलंका में होती है, उसके बाद नगासू जो है आपका जो होता है वो सूडान में, रोका ब्राजील में, और आपका जो हुमा है वो आपका इंडोनेशिया में होता। तो आपका सही विकल्प हो गया ये आपका 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 99 नंबर पूछा गया है, एक तरफ जो है सूची में दिया हुआ है कि जो भी पैरामीटर्स हैं, दूसरी तरफ आपका सूची में दिया हुआ, तो एक तरफ मूल्य जो है किससे जुड़ा हुआ है वो आपको सोचना है। तो मूल्य का मतलब क्या है, ये एक आर्थिक लागत या भाड़ा है, तो आप 1 और 2 लगा देंगे। दूसरा हो गया अवस्थिति, तो अवस्थिति जो है क्या होती है वो सुविधा के अनुसार होती है, तो ये आप यहाँ पर लगा देंगे। लागत क्या है आपका, वो अवस्थिति से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको लगा देंगे। और सुविधा किससे जुड़ी हुई, वो समीपता से जुड़ी हुई, तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर हो गया 1 और 2, B का 4, C का 1 और D का 3 हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिसमें एक तरफ भूगोल वेत्ताओं के नाम दिए तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई किताब या उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो हाउसोफर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था भू राजनीति का, जियो पॉलिटिक्स का, तो आपका सही हो गया। मैकेंडर ने क्या किया था, हृदयस्थल सिद्धांत दिया था। रेडजल ने कौन सा दिया था, तो रेडजल ने आपका कौन सा दिया था आप बताइए मुझे, रेडजल ने दिया था वास स्थान का। और बोमैन, ईसा बोमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो आप इस हिसाब से A का 4, B का 3, C का 1, D का 2 आप लगा दीजिएगा। 101 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रवचन नियमों को बनाने वाला पहला विद्वान था, द फर्स्ट स्कॉलर हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ माइग्रेशन वाज, ऑप्शन दिए हुए हैं कोसिंस्की, ली, रेवेंस्टीन व जेलेंस्की, तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका रेवेंस्टीन, ईजी रेवेंस्टीन। 102 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ली के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवसन के लिए उत्तरदायी है, इन लीज ओपिनियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, पहला जो दिया हुआ कि उत्पत्ति क्षेत्र में क्रियाशील कारक, फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन द एरिया ऑफ ऑरिजिन, दूसरा दिया हुआ गंतव्य स्थान पर क्रियाशील कारक, फैक्टर्स ऑपरेटिंग एट द डेस्टिनेशन, तीसरा है कारक जो अंतस्थ रूप से क्रियाशील होते हैं, फैक्टर्स दैट एक्ट एज इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स, चौथा है व्यक्तिगत कारक जो व्यक्तियों के लिए विशिष्ट हैं, मतलब कि पर्सनल फैक्टर्स दैट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स। तो आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका दिया हुआ कि 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 4 सही है, या 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, तो आपका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी आपका स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उत्तर पहचानना है। तो अगला जो प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जननांकी संक्रमण का वह सामान्य मॉडल है जो, ऑप्शन दिए हुए, पहला कि जन्मदर और मृत्युदर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है, दूसरा तो आपका ये सही है कि नहीं सही है, तो आपका ये सही है। दूसरा दिया है कि जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट, ये भी आप सोचिएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है। चौथा दिया हुआ जो प्रक्रम के 4 अत्यंत रीतिबद्ध प्रवस्थाओं को सूचित करता है। चौथा वाला हम देख लेते हैं क्या दिया है, विच सजेस्ट 4 हाईली स्टाइलाइज्ड फेजेस इन द प्रोसेस। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपके जो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो आपके सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 104 नंबर, कि निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए और उसमें से आपका सही उत्तर पूछा गया है। तो पहला दिया हुआ है कि अति निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, मतलब वेरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, बर्थ रेट ग्रेटर देन द डेथ रेट। तीसरा दिया हुआ है अति उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर, मतलब वेरी हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स। चौथा दिया हुआ है निम्न जन्म व मृत्यु दरें, मतलब कि लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। अब आपसे पूछा गया कि किसी देश का जननांकी संक्रमण निम्न क्रम का अनुसरण करता है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले आपका होगा 3 नंबर, अति उच्च जन्म व अति उच्च मृत्यु दर पहले आएगा। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, वो आपका आएगा कि मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा वो आप मुझे बताइए,
वो आएगा कि निम्न जन्म दर व मृत्यु दर है, ठीक है। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे आएगा अति निम्न जन्म दर व मृत्यु दर। तो आपका जो सही सिक्वेंस हो जाएगा वो 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न दिया हुआ, उसमें एक आपका ग्राफ दिया हुआ है कि जननांकी संक्रमण को चित्रित करते हुए दिए गए ग्राफ पर जन्म दर 1, दूसरा दिया मृत्यु दर 2 अंकित किया गया। मतलब एक ये 1 दिया हुआ है इसका मतलब जन्म दर, और जो 2 दिया हुआ है उसका मतलब मृत्यु दर है। एक तीसरी रेखा जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है 3 नंबर पूछा गया कि क्या प्रदर्शित करती है। तो एक बर्थ रेट हो गया, एक डेथ रेट हो गया। तो तीसरी जो प्रदर्शित करती है वो करती है सकल जनसंख्या, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन। 106 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांवों की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समिष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन विलेजेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एंड सोशल स्पेस। ऑप्शन दिए हैं ए बी मुखर्जी, आर एल सिंह, के एन सिंह एंड आर बी मंडल। सो द करेक्ट आंसर इज के एन सिंह। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर की जेके जिफ के अनुसार प्रधान नगर की संभावित जनसंख्या की गणना निम्न में से किस सूत्र द्वारा की जाती है। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर, ठीक है। ये P1 इक्वल टू सिग्मा P अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R, तो आपका ये उत्तर सही हो गया। अब उसके बाद 108 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नगरीय भूमि उपयोग के संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ में X चिन्हित करता है, X क्या चिन्हित करता है आपसे पूछा गया है। तो द एरिया मार्क्ड एक्स इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ अर्बन लैंड यूज इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया, ऑप्शन दिए हुए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है लो क्लास रेजिडेंशियल, तीसरा है मीडियम क्लास रेजिडेंशियल और चौथा है हाई क्लास रेजिडेंशियल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर, मतलब कि लो क्लास रेजिडेंशियल निम्न वर्गीय आवास। उसके बाद आपका जो 109 नंबर प्रश्न पूछा गया कि केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय स्थल के इर्द गिर्द वस्तु वितरण क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन दिए हुए वह क्षेत्र जो वस्तु के लिए सीमांत जनसंख्या का संभरण करता है, दूसरा है कि दूसरे केंद्रीय स्थल की तुलना में वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय स्थल अधिक वस्तु प्रदान करता है, तीसरा कि केंद्रीय स्थल द्वारा जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु प्रदान होती है उसे जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका यही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 110 नंबर की K3 निम्नलिखित में से सिद्धांतों में से एक है। K3 इज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन दिया हुआ है यातायात सिद्धांत मतलब ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, दूसरा है बाजार सिद्धांत मार्केट प्रिंसिपल, तीसरा है प्रशासनिक सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और चौथा है आपका अधिवास मतलब की सेटलमेंट प्रिंसिपल। तो आपका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर है कि बाजार सिद्धांत। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए क्या वैल्यू होती है। इसी तरह से आपका 111 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हैरिस उलमैन के दिए गए बहुनाभिक प्रतिरूप में ए से चिन्हित छायित क्षेत्र दिखाता है, मतलब कि इन द गिवन मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ऑफ हैरिस उलमैन द शेडेड एरिया मार्क्ड ए रिप्रेजेंट्स। आपसे पूछा गया है पहला कि भारी निर्माण उद्योग, दूसरा आवासीय उपनगर बहिर्वर्ती कार्य क्षेत्र और औद्योगिक उपनगर। आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, 3 नंबर उत्तर सही है और वो है आपका बहिर्वर्ती कार्य क्षेत्र मतलब कि आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। 112 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कोटियाकार नियम, तो कोटियाकार नियम जेके जीफ ने दिया ही है, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम रैली ने दिया, सन नगर आपका पैट्रिक गेडिस ने दिया है, बृहद नगर वर्गीज दिया। तो यहाँ पे बृहद नगर जो है वर्गीज ने ना दे करके जीन गॉटमैन महोदय ने दिया है, मतलब कि मेगालोपोलिस का कांसेप्ट जीन गॉटमैन ने दिया। 113 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ ऑप्शन दिया हुआ है कि संकेंद्री वाले सिद्धांत सिंक्लेयर, तो संकेंद्री वाले सिद्धांत वर्गीज महोदय ने दिया था ना कि सिंक्लेयर ने दिया था, ठीक है, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया हुआ है कि खंड सिद्धांत हुमरहट ने दिया था, केंद्रस्थल सिद्धांत क्रिस्टालो ने दिया था, बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस और मैन ने दिया था। तो आपका जो संकेंद्री वाले सिद्धांत यही आपका गलत है, ये सिंक्लेयर ने ना देकर के वर्गीज महोदय ने दिया था। 114 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सस्य संयोजन विश्लेषण में निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन सी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम डेविएशन मेथड इन क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस। ऑप्शन दिए हुए हैं रफीउल्लाह विधि,
विकी विधि, वीवर विधि और डोई विधि। तो आपका जो सही उत्तर है वो है वीवर विधि। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि तीन खेती प्रणाली का तात्पर्य है, थ्री फील्ड सिस्टम मीन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी मतलब कि वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। दूसरा दिया हुआ है कृषि वानिकी, चारागाह भूमि, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड पास्चर लैंड। तीसरा है उद्यानिकी, कृषि भूमि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, कल्टिवेटेड लैंड एंड लाइव स्टॉक रियरिंग। और उसके बाद चौथा है कृषि भूमि, चारागाह भूमि और पड़त भूमि मतलब समान अंश में। सो कल्टिवेटेड लैंड, पास्चर लैंड, फैलो लैंड, इक्वल शेयर। तो आपका थ्री फील्ड सिस्टम का मतलब यही है, आपका जो चार नंबर कृषि भूमि भी हो, चारागाह भूमि हो और पड़ती भूमि भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो आपको 30 प्रश्न कराए गए 85 नंबर प्रश्न से लेकर 115 तक काफी उपयोगी होंगे आपके आगामी परीक्षाएं किसी भी फील्ड की हो, चाहे पीजीटी की परीक्षाएं हो किसी भी स्टेट की हो, या फिर आपका जो है यूजीसी नेट से जुड़ी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही विभिन्न राज्यों की उनमें से संबंधित हो। आपसे जो भी प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं उनसे प्रश्न बनने ही बनने हैं, इसलिए आप लगातार लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और जल्द ही सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 116 नंबर प्रश्न से लेकर आपका जो है 150 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।